हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने एक नई कड़ी की शुरुआत की है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का। तो अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले, तो चूंकि इसके पहली वाली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने उसमें कुछ क्वेश्चन की बात की थी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से नहीं हो पाया कवर। तो हम लोग आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को सच में। और आप लोग बस इसे शुरू से लेकर अंत तक एक बार अच्छे से देखिए, क्लियर कीजिए अपनी जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है? तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं। पहले तो आप लोगों के पास सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चंस होने चाहिए आप लोगों के पास। क्वेश्चन होने के लिए आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए भाई, बिल्कुल खरीदिए, ठीक है? सेकेंड हैंड ही बुक हो, लेकिन आप लोगों के पास एक बुक हो। नहीं है तो किसी दोस्त से लेकर आइए जिसके पास एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है, उसे लेकर आइए और अपने सामने जरूर रखिए। इससे होगा यह कि आप लोगों को क्वेश्चन को देखकर और क्वेश्चन अगर आपके सामने होंगे तो उसको सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और समझ में भी ज्यादा आएगा, सही है? तो चलिए, ये बुक है हम लोगों के पास, एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है? और 9.1 का वो भी क्लास 10th की एनसीईआरटी है ये, क्योंकि ये टर्म 2 एग्जाम्स के तैयारी भी हो रही है इसमें, है ना? और आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के लिए यहाँ पे फिगर दिए हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड करेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, बहुत मजे से क्लियर कर लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब ये बात कर रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है। आप लोगों को सर्कस आर्टिस्ट के बारे में पता तो है ही कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग अपना जो कर्तव्य है वो रस्सी पे चलकर दिखाते हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि एक क्या है, वर्टिकल पोल है ना, वर्टिकल पोल है, ठीक है? क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है? एक वर्टिकल पोल है और इस वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड के किसी पॉइंट और इसके टॉप वहां से एक रस्सी टाइट की हुई है, ठीक है? और इसी रस्सी पे वो क्या कर रहा है, सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, सही है? तो इस रस्सी की जो हाइट है ना, इस रस्सी की जो लेंथ है, इस रस्सी की लेंथ 20 मीटर है, यह 20 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। और ये एंगल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है? इसका नाम भी इन्होंने दिया है, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा है सी, इन सारे पॉइंट्स का, ठीक है? अब कहता है कि इसका आपको क्या निकालना है, इस ए बी का यानी इस पोल की हाइट निकालनी है। तो इस पोल की हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए, हम लोगों ने क्या किया, एक्स मान लिया इस पोल की हाइट को, ठीक है? तो ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी हमारा हो गया एक्स, और ए बी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पी हम लोग इसको बोलते हैं, ना सही है ना? पी ही है, पी बराबर ए बी है और ए बी को ही हम लोग एक्स मान लिया हम लोगों ने, ठीक है? और ए सी हमारा क्या है भाई, ए सी हमारी एच यानी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, और इसे ए सी को हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज माना और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है? अब बीसी से अभी हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना इससे है। तो इनके और इनके कॉम्बिनेशन से जो रेशियो बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो बनता है वो रेशियो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो यहां से हम लोगों का लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को पी बाई एच मालूम है। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात बताई थी कि ये जो रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके रेशियोज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और थीटा की जो वैल्यू है यानी कि जो स्टैंडर्ड हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिग्रीज हैं, उन स्टैंडर्ड डिग्रीज यानी जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उन एंगल्स की वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यू हम लोगों को मालूम
होनी चाहिए साइन कॉस टाइम इन सभी में जो भी हैं आते हैं साइन कॉस में कॉस 30 कॉस 0 कॉस 45 कॉस 90 कॉस 60 टेन 30 टेन 45 टेन 60 टेन 0 टेन 90 इन सब की वैल्यू हम लोगों को मालूम होनी चाहिए ठीक है। तो यहां से इससे ये बना अब थीटा की वैल्यू क्या है बेटा थीटा की वैल्यू हम लोगों ने रखा है 30 डिग्री थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 30 डिग्री रख दी। पी आपके पास क्या है एक्स है और एच यानी हाइपरटेन्यूज क्या है 20 है ये रख दिया हम लोगों ने। अब यहां पे साइन थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे क्या होती है साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहां पे है एक्स एक्स लिखा हम लोगों ने और इसके बाद में 20 है अपॉन में तो 20 लिख दिया हम लोगों ने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको ये 20 से 1 को मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा 20 अपॉन 2 यानी 2 1 2 2 10 2 10 20 तो x की वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू आ गई 10 मीटर x वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर आ गई ना ये बात समझो x की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर आ गई ठीक है। तो हमारी जो हाइट है वो क्या आ गई 10 मीटर आ गई आगे ये बात समझ में। तो हमें इसकी हाइट ही फाइंड करनी थी पोल की हम लोगों को क्या हाइट क्या करनी थी हाइट फाइंड करनी थी ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ठीक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहां से ये जो कह रहा है क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक ट्री है हमारे पास क्या है एक ट्री है ठीक है हमने ट्री एक बना दी ठीक है ये हमारे पास ट्री है। अब इस ट्री के बारे में कहता है कि ये जो ट्री है ना एक आंधी में आने पर क्या हो गई टूट गई आंधी आने पर टूट गई ठीक है जब टूट गई तो टूटने के बाद ये कहता है कि जब वो टूटी है तो ऊपर का जो ये भाग है ना टॉप का पार्ट ये टॉप जमीन से क्या करता है जमीन से लगता है एक पॉइंट से जमीन के किसी एक पॉइंट से क्या करता है लगता है यानी कि टच करता है और जब वो टच करता है तो उस जमीन के टच करने पर वो नहीं वहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है जमीन से वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है ऊपर का पार्ट ठीक है। तो इसको हम पहले तो तोड़ेंगे आंधी आने पर जब टूटी है ये तो इसको तोड़ देते हैं ठीक है ना तोड़ देते हैं सही है ये टूट गई ठीक है। अब ये कहता है कि इससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये तो यहां से यहां तक इस पॉइंट से इसके ट्री के जो फुट ऑफ द ट्री है इस पॉइंट से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस क्या दी हुई है वो डिस्टेंस दी हुई है 8 मीटर कितनी दी हुई है बेटा 8 मीटर ये डिस्टेंस दी हुई है ये 8 मीटर क्या दी हुई डिस्टेंस दी हुई है। तो हमने यहां पे ना पॉइंट्स मान लिया ए इसको मान लिया इसको बी मान लिया इसको सी मान लिया या इसको ए मान लो इसको बी मान लो सॉरी और इसको सी मान लो। तो अब यहां से जब आप देखेंगे इसे तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है अब चलो यहां से अब हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं भाई यहां पे जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि ये जो ट्री है ना इस ट्री की हाइट निकालने को कहता है इस ट्री की क्या निकालने को कहता है हाइट निकालने को कहता है। तो यहां आप देखोगे कि यहां ये बी है पॉइंट यहां आप देखोगे कि यहां पर ये जो है ए पॉइंट है और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये क्या है सी पॉइंट है। अगर बी और सी को आप देखोगे तो हमने निकालना क्या है बीसी निकालना है बीसी फाइंड करना है यानी कि यहां से यहां तक फाइंड करना है ठीक है। तो जब यहां से यहां तक फाइंड करना है तो हमें ये पार्ट यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए क्या मालूम होनी चाहिए ए बी लेंथ मालूम होनी चाहिए और हम लोगों को क्या लेंथ मालूम होनी चाहिए ए सी लेंथ मालूम होनी चाहिए यह लेंथ मालूम होनी चाहिए। अगर आप इसे एक्स मान ले रहे हैं तो इसे वाई मान लीजिए ठीक है एक लेंथ को हम लोगों ने एक्स माना तो दूसरी लेंथ क्या आ गई वाई आ गई तो एसी जो हमारी है यहां पे क्या आ गई एसी हमारे पास आ गई वाई। तो बेसिकली हमें एक्स प्लस वाई निकालना है अगर हम लोगों ने एक्स प्लस वाई यानी एक्स निकाल लिया तो ये हमारा क्या है ये ए बी हमारा एक्स है और ये क्या है एसी एसी हमारा क्या है वाई है तो ये पार्ट हम लोगों को निकालना है। तो इन्हीं दोनों की लेंथ जब हम लोग निकाल लेंगे तो निकालने के बाद उनकी लेंथ को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर
पूरे ट्री की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के लिए जो जो पार्ट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पहले ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग देखेंगे जो AB है, AB का ही नाम हम लोगों ने परपेंडिकुलर का ही नाम AB है, और यही हमारा, ये हमारा कितना है x माना हम लोगों ने, एंगल यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है, और इसके बाद हम लोगों के पास ये जो BC है, BC क्या है बेटा यहाँ पे, BC बेस है, बेस कितना है हमारे पास 8 मीटर है, ठीक है। अब हमें इसी के कॉम्बिनेशन से क्या करना है, रेशियो लेना है, ठीक है। तो रेशियो आप देखेंगे, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास क्या है, P है, तो P और B का रेशियो बन रहा है ना, P और B का रेशियो बन रहा है, P और B का रेशियो बन रहा है, तो जब P और B का रेशियो बन रहा है तो ये किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो P अपॉन B इज इक्वल टू tan थीटा, P हमारे पास कितना है बेटा x है तो x लिखा, और B हमारे पास कितना है तो 8 है तो 8 लिखा, और tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, थीटा की जगह पे रखोगे 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को यहां पे रखनी पड़ेगी, तो रख देते हैं x अपॉन 8 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। अब चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो इस डिनोमिनेटर में जो 8 है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके नानी के घर पहुंचा देंगे, तो जैसे ही ये नानी के घर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 8 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से इसे हम क्या करेंगे, अब यहां से चूंकि ये रूट यहां से हमें हटाना होता है, कहां से हटाना होता है, डिनोमिनेटर से रूट को हमें हटाना होता है, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो हमारे पास नंबर है ना ये, इसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। अब इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 8 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 रूट 3, रूट 3 से आप रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 9 आ जाएगा, और रूट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, और किसके स्क्वायर में वो नंबर आता है, किसका स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर करने पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन 3 मीटर। आगे ये बात समझ में, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर मैं करता हूं फिर इसका काम, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे कि x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू जब निकालनी है हम लोगों को, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग यहां के इसके रेशियोज लेंगे, तो रेशियोज में कैसा रेशियो बनाएंगे, ये आपका h है, हाइपोटेन्यूज है, और ये 8 दी हुई है पहले से ही, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों का ये कॉम्बिनेशन बन गया, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 8 है, एच हमारा क्या है, एच को हम लोगों ने वाई माना है, और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, तो अब यहां से 8 अपॉन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो चूंकि हम लोगों को किसको निकालना है, हम लोगों को वाई की वैल्यू लेनी है, हम लोगों को वाई की वैल्यू लेनी है, तो जब हम लोग वाई की वैल्यू लेंगे तो ये वाई इधर चलाएगा, ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और इस y से रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y रूट 3 y क्या आ जाएगा, रूट 3 y आ जाएगा। तो चूंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ये जो रूट 3 है इसके मल्टीप्लाई में है तो ये 16 के डिवाइड में चलाएगा, तो 16 के डिवाइड में हम लोग रूट 3 लिखेंगे इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 रूट 3 अपॉन रूट 3। आगे नहीं बात समझे, सॉरी क्या आ जाएगा, 16 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, सही है। अब यहां से आप लोगों को यहां से फिर से क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करेंगे इससे, तो रैशनलाइज करने के लिए वही काम करेंगे, 16 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 16 रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 16 रूट 3 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 मीटर। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू यहां पे जो आपकी वैल्यू आ गई वो ये आ गई 16 रूट 3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। इसके आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम लोगों को BC के वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू आ गई तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ले लिया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखें आप, x की वैल्यू आ गई यानी BC इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू x प्लस y, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी,
एक्स की वैल्यू आपकी आ गई थी 8√3/3 प्लस में वाई की वैल्यू क्या आ गई 16√3/3। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और ये भी लाइक फ्रैक्शन है कि डिनोमिनेटर हमारा जब सेम रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया और इसके बाद जो नंबर हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर में होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं 8√3 + 16√3। तो 8√3 16√3 कितना हो जाएगा 24√3/3। 3 × 3 = 24 तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8√3 मीटर। 8√3 मीटर यानी ये जो BC की वैल्यू आपकी आ गई वो कितनी आ गई 8√3 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, आप लोगों को यहां से बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है ना। वो क्वेश्चन है वो थोड़ा बोर्ड जरा सा डिस्टर्ब कर गया था। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, अब बोर्ड आ भी जाएगा इंशाल्लाह, बोर्ड आ जाएगा, बड़ा सा बोर्ड आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे पता है आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, मुझे तो ज़्यादा दिक्कत होती है, खैर लेकिन बोर्ड आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क, इन अ पार्क। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो फ्रॉम फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30° टू द ग्राउंड। पहले तो कहता है कि 2 स्लाइड्स बनानी है, 2 स्लाइड्स बनानी है, कहाँ बनानी है, पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के लिए ऐसे एक स्लाइड बनी हुई होती है इस तरह से कि आप यहाँ से बच्चे क्या होते हैं इधर से चढ़ते हैं और इधर से चढ़ने के बाद इधर क्या होते हैं इस पर फिसल के नीचे आते हैं, फिसल कर नीचे आते हैं, उन लोगों को मजा भी आता है। ठीक है, तो वही स्लाइड बनानी है तो वो जो इंजीनियर है उन्होंने 2 तरह के बच्चों के लिए स्लाइड बनाने की वहाँ पे ये काम लिया। एक तो वो जो बिलो 5 साल से नीचे के हैं और एक 5 साल से जो ऊपर के हैं। ठीक है, तो उनके लिए जब बनाया तो एक जो स्लाइड है ना, एक स्लाइड की जो हाइट है उन्होंने बताई कि एक स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और ये जो टॉप है ये टॉप इसका टॉप ग्राउंड के किसी पॉइंट से क्या है ना, ग्राउंड के किसी पॉइंट से 30° के एंगल से क्या है इंक्लाइंड है, 30° के एंगल से क्या है इंक्लाइंड है, इसी को हम लोग इंक्लाइनेशन कहते हैं, यही इंक्लाइंड है ना, ये इंक्लाइंड का मतलब होता है कि ये इस तरह से तिरछी। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड है तो इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ABC। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, सही है। तो कहता है कि ये स्लाइड की लेंथ निकालने को कहता है ना कि स्लाइड की लेंथ क्या है। ठीक है, इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, इसके बाद में कहता है कि वेयर एज वहीं पर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो दूसरी स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है बेटा, उसकी हाइट कितनी रखी इन्होंने 3 मीटर, इसकी हाइट रखी 3 मीटर हाइट रखी, और ये जो इसका जो एंगल बन रहा है ना इसके टॉप से जो ग्राउंड के पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 60° का एंगल बन रहा है ना, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60° ऑफ टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में आप लोगों को स्लाइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, इसका नाम ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास और एक ट्राइंगल ये आ गया तो इसका नाम DEF दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसकी लेंथ निकालेंगे और एक बार इसकी लेंथ निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हम लोगों ने इन ट्राइंगल ए बी सी आप लोगों को ये निकालनी है, चूंकि ये निकालनी है तो एक्स मान लीजिए, तो AC = क्या एक्स और ये AB = क्या है 1.5 मीटर और ये जो थीटा आपका क्या है θ = 30°। तो यहां से इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से क्या रेशियो बनेगा, पी और एच का रेशियो बनेगा P/H, ये P है चूंकि और ये क्या है H है तो P/H बनेगा। P/H का रेशियो किसका होता है, P/H का रेशियो आपका
साइन थीटा का होता है, ठीक है, साइन थीटा का होता है। अब यहां से पी की वैल्यू क्या रखी है, 1.5 रखी है, और एच की वैल्यू क्या रखी है, एक्स रखी है, इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या बेटा, थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब इसके बाद यहां से इसके इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1.5 है, 1.5, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, साइन 30 डिग्री की, 1.5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, क्या होती है इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, साइन 30 डिग्री की क्या होती है वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। अब आप कैलकुलेट कीजिए, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 2 यानी 5 यानी कि 1.5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.0 आ जाएगा, x को x इंटू करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 मीटर, x की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर आ गई, ठीक है, तो यानी कि इस स्लाइड की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 मीटर आ गई, ठीक है, लेंथ उसकी। अब यहां से इन ट्राइंगल DEF में चलना है हम लोगों को। अब DEF के लिए भी वही हाल, सही है ना, DE क्या है आपके पास, DE इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर है, फिर DF इसके लिए आप इसे y मान लीजिए, DF आपको निकालना है, DF इज इक्वल टू y है, और आपका जो थीटा वो कितना दिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, सही है ना, तो यहां पे भी P by H का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये रेशियो बन रहा है, तो P by H का यहां पे रेशियो बन रहा है, तो P by H का जब रेशियो बनेगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो साइन थीटा के इक्वल होगा, तो P upon H is equal to sin theta, P by H is equal to sin theta, यानी P by H, P की जगह पे क्या रखोगे आप, P की जगह पे आप रखोगे 3 मीटर यानी 3, और H की जगह क्या रखोगे y, तो y 3 upon y is equal to sin theta, sin 60 डिग्री, ठीक है ना, sin 60 डिग्री, चलिए ठीक है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पे 3 upon y साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √3y आ जाएगा, ये √3 को आप नीचे रखोगे 6/√3 इज इक्वल टू y आ जाएगा। अब यहां से y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 6/√3, तो चूंकि हम लोगों को करना क्या है, यहां पे हम लोगों को इसके लिए रूट थ्री को हटाना पड़ेगा, तो रूट थ्री को जब हम लोग हटाएंगे यहां से तो क्या लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3, रैशनलाइज करेंगे यहां पे, सिंपल सी बात है, अभी हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में देख चुके हैं दो दो क्वेश्चन पे, तो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज किया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6√3 अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 into √3 into √3, दैट इज √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, ठीक है, तो यहां आ जाएगा ये 3 into 3, 3 into 2 into 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 मीटर, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3 मीटर, तो 8 की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई √3 2√3 मीटर, इज दैट क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है, इसे आप बाद में पढ़िए, इसके पहले क्या पढ़िए, इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है, तो यहां से ये एक टावर हम लोग बना लेते हैं, चलिए हम लोगों ने क्या किया, एक टावर बना लिया, टावर के टॉप से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भैया, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया, सही है। अब ये कहता है कि अब यहां से पढ़िए, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बारे में कहता है कि ये पॉइंट इस टावर के फुट से कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे ना, 30 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इसे हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, x लेंगे। अब आपने यहां पे देखा
कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो बन रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेशियो बन रहा है। तो बेस और सॉरी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनेगा, अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनेगा तो ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, तो ये होता है आपके टेन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अब यहां से परपेंडिकुलर क्या बेटा, परपेंडिकुलर कितना दिया है आपका, x दिया है, ठीक है, हमने x लिख लिया। और यहां पे ये जो आपका बेस है वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, तो यहां पे हमने 30 लिख लिया, ठीक है। और यहां पे tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई यहां पे, tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे 30 दी हुई है, लिख लिया। अब इसके बाद हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है यहां पे, तो सिर्फ 30 को यहां पे ले आइए 1 की जगह पे, 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना गया, 30 अपॉन रूट थ्री, 30 अपॉन रूट थ्री, ठीक है ना। अब यहां से ये रूट थ्री है, अब इस रूट थ्री को आप क्या करेंगे, इस रूट थ्री को आप यहां से आप हटाएंगे डिनोमिनेटर से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब यहां से इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 रूट थ्री अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से, तो रूट 9 आ जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो लिखा हमने। और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा, 10, तो यहां आ जाएगा आपका 10 रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 रूट 3, दैट इज द हाइट ऑफ अ टावर। इस टावर की हाइट हम लोग को मिल गई कितनी, 10 रूट 3 मीटर। आगे ये बात समझ में, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं, सही है ना। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोगों का कहता है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, चलिए ठीक है, काइट बना लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए हम लोग क्या करते हैं, काइट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए क्या करते हैं हम लोग, काइट बना लेते हैं। हम लोगों ने काइट बना ली, ये काइट है हम लोगों की। काइट के बारे में कहता है कि इस ये जो काइट है, ये काइट जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पे है, ये कहता है कि 60 मीटर की ऊंचाई पे है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। तो हमने यहां पे लिखा 60 मीटर, ठीक है ना, हमने यहां पे क्या लिखा, 60 मीटर लिखा, ठीक है। अब यहां से अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कि टेम्पररी क्या है ना, कि टेम्पररी इस एक स्ट्रिंग से क्या है, एक स्ट्रिंग से ये जो काइट है क्या की हुई है, अटैच की हुई है। और वो जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कहां है, वो स्ट्रिंग ग्राउंड पे है। वो स्ट्रिंग कहां है, उस ग्राउंड से हम लोगों ने बांध दी है उस स्ट्रिंग को। इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने काइट से अटैच करके और कहां बांध दिया है, ग्राउंड पे बांध दिया, एक पॉइंट पे, है ना, ठीक है, यहां पे बांध दिया। इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो इंक्लाइनेशन है, ये स्ट्रिंग की जो इंक्लाइनेशन है, ये ग्राउंड से कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है ना, ग्राउंड से कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, ठीक है, 60 डिग्री पे है। तो ये हम लोगों ने 60 डिग्री लिख लिया। तो ये आगे क्वेश्चन फिर क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस लेंथ, इस स्ट्रिंग की इस लेंथ को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए हमने इसको x मान लिया, ठीक है, और इसे हम लोगों को फाइंड करना है। तो कहता है कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, वो आपको लेग मान कर चलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने चूंकि पतंग उड़ाई होगी, मैंने उड़ाई थी, ऐसे तो जानता तो नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, ये सब पतंगबाजी करना। तो अगर किसी ने उड़ाई है या उड़ाते हुए देखा तो होगा, नहीं उड़ाई है तो उड़ाते हुए देखा, हमने भी देखा है। तो होता क्या है, आपने जब देखा होगा तो आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा कि ये जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से या जिस डोर से आपकी पतंग लगी हुई होती है, वो डोर बीच बीच में ऐसे लहराता होता है ना, ऐसे लहराता होता है, हवा के झोंकों से ऐसे लहराता होता है, ठीक है। तो वही स्लैक है, आदमी ने बात समझ में, ये लहरा रहा है वो स्लैक है, तो ये स्लैकनेस इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। यही बात कह रहा है कि आपको ये मान के चलना है कि ये स्लैकनेस नहीं है, बल्कि क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है,
क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, ठीक है। तो यही मानकर आप लोगों को इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां से हम लोगों को देखना है ये है कि ये परपेंडिकुलर है आपका, ये परपेंडिकुलर है आपका, और ये आपका क्या, ये हाइपोटेन्यूज है आपका। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो क्या देते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो क्या देते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां पे पी अपॉन एच, पी कितनी है आपके, आपकी लेंथ कितनी है 60, ठीक है। एच क्या है आपका, मालूम नहीं, एक्स है। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60 है, ले लिया। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पे हम लोगों को क्या मिला हुआ है, 60 मिला है, और यहां पे क्या है एक्स है, और साइन 60 की वैल्यू क्या है यहां पे बेटा, साइन 60 की जो वैल्यू है यहां पे वो है रूट थ्री अपॉन टू, क्या है यहां पे रूट थ्री अपॉन टू है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। तो यहां से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू 60 टू द 120 अपॉन रूट थ्री लिखोगे, है ना। तो अब फिर से रूट थ्री आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या करना है, फिर से रैशनलाइजेशन करना है ना। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए 120 अपॉन रूट थ्री, इसी रूट थ्री से हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से, आगे नहीं है बात समझ, ठीक है। तो यहां से इसको कैलकुलेट किया, 120 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, रूट नाइन आएगा, और रूट नाइन की वैल्यू क्या जाती है, रूट नाइन की वैल्यू थ्री आती है, थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, 40। तो यहां पे क्या आ गया, 40 रूट थ्री मीटर, 40 रूट थ्री मीटर। तो यहां पे x की वैल्यू यानी कि ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई, जो लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई, 40 रूट थ्री मीटर आ गई है, आगे ना बात समझ में। तो यहां से आज की जो ये वीडियो है, जो एक से लेकर पांच तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, सम ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये जो आपके एप्लीकेशंस हैं, यानी कि इसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस की जो आज हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और समझने में बहुत आसानी हुई होगी। अगर कहीं कोई क्वेरीज हैं तो आप जरूर उन क्वेरीज को कीजिए, और इनसे आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और चैनल अगर हमारी, हमारा ये काम आपको और ये जो टीचिंग मेथड है पसंद आती है आप लोगों को, है ना, तो आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इसी तरह से जो भी कंटेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, जिस भी एग्जाम से रिलेटेड हैं और जिन बोर्ड से रिलेटेड हैं, उन सभी बोर्ड और सभी एग्जाम से के जो क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर्स हैं, इन्हें लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को, आपको मैथ्स में स्ट्रांग बनने में मदद मिल सके, ठीक। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।